नागदा में रेत का अवैध परिवहन कर रही 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद खनिज विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किए, जिसके बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। अवैध रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ कलेक्टर के आदेश पर खनिज विभाग की टीम ने उज्जैन से आकर कार्रवाई की। टीम ने 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर पुलिस की अभिरक्षा में सुपुर्द किया। कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर जिला खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने टीम का गठन किया था। बुधवार की सुबह उज्जैन से आई खनिज विभाग की टीम ने इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव के नेतृत्व में कोटा फाटक स्थित पुराने पशु हाट के समीप कार्रवाई की। यहाँ खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली वालों से रेत परिवहन करने के दस्तावेज मांगे तो कोई नहीं दिखा पाया। इस पर 12 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया। रेत माफिया से जुड़े लोगों के दल में शामिल अधिकारियों को धमकाने का प्रयास भी किया, लेकिन एक की न चली। ये वाले किसके आ जाओ इधर पे? तेरा ये वाला तो तुम्हारा है। ये वाला ये किसका? ये वाला किसका? ओ सामलाल जी आओ गाड़ी पे खड़ा उधर। जिला खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल के अनुसार अवैध रेत खनन के खिलाफ विभाग समय समय पर कार्रवाई करता है। अभी नदियों से रेत निकालने की शिकायत भी कार्रवाई की गई और जो जिले में रेत बिक रही है वो दूसरे जिलों से आ रही है। गंभीर डैम और जहाँ जहाँ भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती वहाँ पर हमारे द्वारा प्लानिंग करके उन क्षेत्रों में सर्चिंग की गई थी, जहाँ पे वर्तमान में इस ढंग से जैसे बताया गया था कि बहुत बड़े पैमाने पर अवैध खनन परिवहन हो रहा है, तो टीम द्वारा जब सघन जांच की गई उसकी 2-3 दिन तक, तो इस तरह का कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है। वरन वहाँ पर चूंकि इंटीरियर में बहुत ज़्यादा है, रोड से अंदर है और रास्ते नहीं हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे जब भी टीम का मूवमेंट होता हो तो पता चल जाता, इसलिए वो काम बंद कर देते हैं। फिर भी हमारे द्वारा लगातार क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है और इस तरह की जो भी गतिविधि पाई जाएगी उस पर नियमानुसार सख्त सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, मार्केट में रेत जो आ रही है वो आसपास के जिलों में जहाँ खदानें स्वीकृत है वहाँ से रॉयल्टी पेड मटेरियल आ रहा है, और जो बगैर रॉयल्टी या ऐसे कुछ भी परिवहन करते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध संबंधित न्यायालयों में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और उनके विरुद्ध अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।